शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। नहीं, सुरसुरी ये भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेगी। इच्छा के साथ वही होगा जो मेरे साथ हुआ था। अगर तुमने इच्छा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो जीवन भर यहीं सड़ोगी। मुखिया जी, अगर आप एक जिद्दी हैं तो मैं 10 जिद्दी हूँ। चाहे कितने भी पहरे लगा लीजिए, उन्हें भेद कर मैं इच्छा तक पहुंच जाऊंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर गलती से भी सुरसुरी यहाँ से भाग निकली तो तुम लोग अपने फन दिखाने के लायक नहीं रहोगे। तुम्हें पता है यहाँ क्या हो रहा है? वो जो इच्छा है ना, उसकी शादी एक इंसान से कर दी और यहाँ सब उसका समर्थन कर रहे हैं। हम दोनों ने क्या पाप किया था जो हमें नागों ने अलग कर दिया? अब तुम ही बताओ, ये अन्याय नहीं तो क्या है? और पिताजी मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं। लेकिन मैं नहीं मानूंगी, मैं ये शादी तोड़ के रहूंगी। आवाज कैसे? मैं दीवार पे अखरोट तोड़ रही थी। लाइए, मैं तोड़ देती हूँ। एक काम करो, मेरा फन और मेरी पूछ दोनों बांध दो। मुझे कमरे में तो बंद कर ही दिया है, अब मेरा हिलना डुलना भी बंद कर दो। मैं तो बस आपकी सहायता करना चाहती हूँ। सहायता करने का इतना शौक है? तो एक काम करो, मुझे बार बार कमरे में आके तंग मत करो। जाओ यहाँ से। अपना चेहरा देखा है, कितनी थक गई है तू। कुछ देर पहले चक्कर भी आ गए थे। मुझे तो तेरी बड़ी चिंता हो रही है, तुझे अकेला छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। एक काम करती हूँ, आज रात तेरे साथ रुक जाती हूँ। देवर जी से कह देती हूँ प्रबल जी के साथ सो जाए, आज रात तुझे आराम की भी तो जरूरत है। नहीं दीदी, मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, जरा देखूं तो। चिंता मत कर, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। आज की रात तुम दोनों की रात है, इसे यादगार बनाना। चल मैं चलती हूँ, तेरे ओजी को भेजती हूँ। अरे हाँ, तेरी तो याददाश्त चली गई है ना, मुझे तो पता भी नहीं होगा तू हम रात में करते क्या है। चल मैं तुझे समझाती हूँ। दीदी आप तो, तुझे पता है ना, सब पता है ना। फिर तो देवर जी की निकल पड़ी। वाकू तू जहाँ कहीं भी है जल्दी से जल्दी आ जा।
तुम्हारी शादी हो गई ना और तुम्हें तंग करने के लिए बब्बल नाम का खिलौना भी दिया मैंने, तो मुझे क्यों तंग कर रही हो? ए बाकू, मुझे कोई शौक नहीं तुझे बुलाने का। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। नहीं 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 नहीं, अच्छा रुक जा, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। कैसी बात? मुझे जाना होगा बाकू। जाना होगा कहाँ? पिताजी की बताई तीसरी रस्म अभी तक बाकी है। छोड़ो ना, आज तुम्हारे लिए इतना बड़ा दिन है, बाद में आराम से। जब तक ये रस्म पूरी नहीं होती मुझे चैन नहीं आएगा। मुझे ये रस्म पूरी करनी ही है, पूरे परिवार को दूध से नहलाना है। अभी इतनी रात गए? इच्छा तुम पागल हो गई हो, शादी ने तुम्हारे दिमाग पर असर कर दिया है। अरे जो चीज संभव नहीं है वो बाकू, असंभव को संभव कैसे करना है मैं देख लूंगी। तू थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक, मैं अभी आती हूँ। अरे इच्छा कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर? आज तुम्हारी सुहागरात है और सुहागरात का मतलब मुझे बहुत अच्छे से पता है। वो बब्बल पूरी तैयारी के साथ आएगा और मुझे तो तूने रोक देना ना। ऐसे मौके पर मर्द रोके नहीं रुकते, और वो ठहरा पहलवान बंदा, मैं ये खतरा नहीं उठा सकता। वाकू नौटंकी मत कर, मुझे पिताजी की इच्छा पूरी करनी है। देख वाकू, जब तक मैं वापस नहीं आ जाती तू चुपचाप यहाँ बैठे रहना, समझा? अरे इच्छा तुम नागो, उम्मीद सब कुछ जल्दी भेज देना ना बब्बल मुझे। ची 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 ची। जहां देखो वहीं पहरा। सुसुरी, इसे शक्ति से नहीं युक्ति से भेदना होगा। सुरसुरी को पकड़ सको, वैसे भी आज दुनिया का कोई भी पहरेदार सुरसुरी को इच्छा तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। इच्छा मैं आ रही हूं, ईमान से डस लूंगी। एक ही वक्त पर पूरे घर वालों को दूध से नहलाना है, लेकिन इतना दूध तो इस वक्त घर में होगा ही नहीं। जो भी थोड़ा बहुत होगा वो इसमें तो दूध है ही नहीं। इतनी रात गए मैं दूध कहां से लाऊंगी, वो भी इतना सारा। अब पिताजी की बताई तीसरी रस्म कैसे पूरी होगी? इच्छा उन्होंने पहली बार तुझसे कुछ मांगा है और अगर तू ये भी नहीं कर पाई तो नागुमी देव अब आप ही मेरी मदद कीजिए। कमाल की किस्मत है इच्छा, आम तौर पर सुहागरात पर लड़कियां अपने सजे सजाए कमरे में होती है और इच्छा कहाँ है? तबेले में। लड़कियां अपने पति को केसर वाला दूध पिलाती है और इच्छा क्या कर रही है? पहली धार का दूध निकाल रही है। हे नागूमी देव, कौन से मूड में आपने मेरी कुंडली लिखी थी? खड़ा, घर के पीछे का दरवाजा बंद किया कि नहीं?
हड़ाक, कोई आवाज ना दे रहा है, मुझे देखना पड़ेगा। कौन है, कौन है दादी? अरे कौन है वहां? तू तू आधी रात को तबेले में क्या कर रही है? दूध निकाल रही थी दादी जी। दूध इस वक्त? दादी जी घर में एक बूंद भी दूध नहीं है, चांदी की धमा चौकड़ी में सब खत्म हो गया। अरे आधी रात को दूध की जरूरत किसे पड़ेगी? अप्पू को, आजकल वो रोज आधी रात को उठकर एग्जाम की तैयारी करता है। और आपका तो परपोता है ना दादी, जब तक उसके गले से दूध नहीं उतरेगा तब तक उसकी नींद नहीं खुलेगी, इसलिए मैं। अच्छा ठीक है निकाल ले, लेकिन जितना अप्पू को चाहिए उतना ही निकालना, बाकी का सुबह में देखेंगे। और हाँ, आते वक्त पीछे का दरवाजा अच्छे से बंद करके आना। जी दादी जी। बच गई इच्छा, लेकिन चल अब जल्दी कर, वरना रस्म पूरी करने के चक्कर में तेरी सुहागरात दादी अधूरी रह जाएगी। और वैसे भी वहाँ वाकू इच्छा बनकर बैठा है, पता नहीं क्या कर रहा है। और कितनी देर लगाओगी इच्छा? आ जाओ ना, बब्बल के आने से पहले आ जाओ, वरना। छोटे आज तक तूने बहुत पहलवानी करी है, लेकिन आज तेरी पहलवानी का असली इम्तिहान है। अव्वल आना है तुझे। क्या बात कर रहे हो भाई, आज भी कुश्ती लड़वाओगे क्या इससे? अरे चुस्ती के बिना सुहागरात कैसे बनेगी? शरीर में चुस्ती ना होगी तो भाग दौड़ कैसे होगी? क्यों छोटे? अरे ना 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 भाई, चुस्ती ना कह रहा हूं मैं बोल रहा हूँ आज भी कुश्ती लड़वाओगे क्या इससे? अरे सुहागरात पे कुश्ती तो होवे, बस अखाड़ा अलग, दांव पेच अलग, और आखिर में दोनों खिलाड़ी जीत जावे। अरे भैया बस कीजिए, आप दोनों को नींद नहीं आ रही है क्या? आ रही है। तो जाइए सो जाइए ना प्लीज, गुड नाइट। अब क्या गुड मॉर्निंग बोल के जाएंगे? अरे नाना छोटे, बस एक सवाल पूछना था तुझसे। अब क्या पूछना है भैया? तुझे डर तो ना लग रहा, पहली बार है ना? भैया जाइए ऐसे। बिल्कुल सही किया तूने, आप भी जाइए। हे नागोमी देव, बब्बल आ गया, अपनी केचुली संभाल वाकू। मुझसे चेहरा छुपाकर मेरी जिंदगी बैठी है। इच्छा, मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि हम दोनों पति और पत्नी। इच्छा इच्छा इच्छा, तुम और मैं। हम बन गए हैं। बब्बल जी अभी क्या कर रहे हैं? सुहागरात के वक्त दुल्हन चिल्लाए समझ में आता है, लेकिन दूल्हे का इस तरह चिल्लाना। अभी अभी याद देखा मैंने, तुम्हारा चेहरा तुम्हारा नहीं था,
मतलब? मतलब घूंघट में तुम नहीं थी, कोई और था। बब्बल जी कैसी बातें कर रहे हैं आप, घूंघट उड़कर कब से मैं ही तो बैठी हूँ यहाँ। नहीं 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 कोई और था, बड़ा ही डरावना चेहरा था। डरावना? मैं डरावना हूँ? अपनी शक्ल देखी आईने में, खुद तो खरगोश लगता है। नहीं नहीं खरगोश तो फिर भी प्यारे होते हैं, ये तो बंदर है बंदर। बब्बल जी आप थोड़ा शांत हो जाइए, आपको वहम हुआ है। अरे नहीं मुझे यकीन है कि कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इतना बड़ा वहम नहीं हो सकता। इच्छा क्या था वो? कुछ नहीं था बब्बल जी, मैं ही थी। अब मैं बस थोड़ा डर गई थी शायद इसीलिए। डर गई थी? डरने की बात, तुम्हारी शक्ल ऐसी हो जाती है। ऐसी होती है वैसी होती है कैसी होती है मुझे नहीं पता, मैं जो हूँ आपके सामने हूँ, आपको जो लगता है आप जानो। क्या इच्छा तुम डर क्यों रही थी? या मेरे कमरे में तुम्हें किसका डर? आपका। अब डरने लगेगा। इच्छा कहाँ है तू, जल्दी आ जा, ये आदमी उतावला होता जा रहा है, आज इसे नहीं रोक पाऊंगा, अब मेरी इज्जत तेरे ही हाथों में है। चलो दूध का इंतजाम तो हो गया, सबसे पहले सबल भैया को नहलाती हूँ। सबल भैया। रे इच्छा तू इस वक्त यहाँ? अरे तेरी तो, रुक एक मिनट, तू हाँ तेरी तो आज बब्बल से शादी हुई है ना? हाँ भैया। अरे तो तू यहाँ क्या कर रही है, मेरा कमरा है, जाना बब्बल। पहली रात ही झगड़ लिया आपस में, समझा रहा था मैं प्रबल भाई को, मत सिखाओ बब्बल को, मत सिखाओ बब्बल को, लेकिन चुस्ती चुस्ती चुस्ती। नहीं नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अब वो दरअसल मैं आपके लिए दूध लेकर आई थी। ओहो, अरे गलत इन्फॉर्मेशन दिए तेरे को, तू आगरा के दिन घर वालों को नहीं, घर वाले को दूध देते हो पागल। भैया उन्हें तो मैं पिलाऊंगी, लेकिन शादी में आपने भी तो कितनी भागा दौड़ी की है, थक गए होंगे, ठीक से खाना भी नहीं खाया होगा आपने, थोड़ा दूध पी लीजिए अच्छी नींद आएगी। चल ठीक है फिर, तू कह रही तो पी लेता हूँ। नहीं, नहीं नहीं मैं आपको पिलाऊंगी। अरे तू क्यों पिलाएगी, मैं खुद पी लूंगा ना, तू के फालतू में तकलीफ। अरे वाह भैया बब्बल जी से शादी क्या हो गई, आप तो एकदम फॉर्मल हो गए, और वैसे भी मैं इस घर की बहू बाद में हूँ, पहले आपकी छोटी बहन हूँ, दूध तो मैं ही पिलाऊंगी, चलिए मुंह खोलिए। अब गर्दन थोड़ी ऊंची कीजिए, ये थोड़ी सी और, थोड़ी सी और। क्या कर दिया इच्छा? माफ कीजिए भैया मेरा हाथ गलती से थोड़ा हिल गया और। अरे यार एक गलती कर दिया दूसरी मत कर, जा बब्बल के पास, शादी की रात को दूल्हे का इंतजार कराना अच्छी बात ना होती, चल जा। जी भैया। चीनी तो डाल देती इसमें। क्या ये सब? क्या ये सब इच्छा? मैं जानता हूँ सुहागरात में हर लड़की थोड़ा नर्वस हो जाती है, घबरा जाती है, लेकिन लेकिन ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा। आप नाराज मत होइए बब्बल जी, वो पहली बार है ना। तो मेरी कौन सी दसवीं सुहागरात है यार। वही तो मैं कह रही हूँ बब्बल जी, हम दोनों इस खेल में नए हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, पहले दूर से प्यार करते हैं फिर करीब करीब। इच्छा जैसे तैसे इसे रोक के रखा,
इससे पहले कि ये अपनी हद तोड़ दे तुम आ जाओ। अब प्रबल भैया और ममता दीदी की बारी। अरे कौन था जो हमें दूर से नहला के चला गया? उनको तूने देखा कुछ? नहीं जी, मेरी भी आंख लग गई थी। अरे पूरा बदन चिपचिपा रहा है, दोबारा से नहाना पड़ेगा, चल। ठीक है अच्छा, तुम्हें दूर दूर से रोमांस करना है ना, कोई बात नहीं, उसका तरीका भी मैंने निकाल दिया है। क्या? म्यूजिक। चंचल आंटी, दूध कैसा लगा? अच्छा था। अब मेरा वाला सुनिए। दादी ये कैसा था? अच्छा था, लेकिन अब मेरा वाला सुनो। मैं तेरी तू है मेरा, एक तुझे के है हम। मैं तेरी तू है मेरा, एक तुझे के है हम। मैं तेरी तू है मेरा, एक तुझे के है हम। इस वक्त यहाँ, आज तारी शादी की पहली रात है और तू यहाँ क्या कर रही है? दादी मैं आपके लिए दूध लेकर आई थी। पिलाने का इरादा था या नहलाने का? मतलब दादी ऐसा कुछ नहीं है दादी, आप झूठ मत बोल, तेरा हाथ मेरे सर के ऊपर था, आज तेरी चोरी पकड़ी गई। अच्छी तरीके से पहचान गई हूँ कि तू कौन है। तू एक इच्छाधारी नागिन है।
नागों से ताल्लुक है तेरा। दादी नहीं, आप कैसी बातें कर रही हैं? मजाक कर रही थी मैं। दादी ऐसा मजाक कौन करता है? तू डर गई थी? अब इच्छाधारी नागू की बातें सुनकर कोई भी डर ही जाएगा ना। हाँ छोरी, ये कहानी बड़ी डरावनी होती है लेकिन होती बड़ी रोचक है। अरे मेरी दादी तो मिर्च मसाले लगा के सुनाती थी मुझे। अच्छा, लेकिन आपको आज क्यों ये सब याद आ गया? दादी ने कहा था इच्छाधारी नागिनों का भी एक देश होता है, वहाँ की रस्में होती है, रिवाज होते हैं। सच? वहाँ की नागिनें शादी की पहली रात को अपनी ससुराल वालों को दूध से नहलाती हैं। कैसी अजीब रस्में होती हैं दादी। खैर ये सब तो किस्से कहानियां हैं, असल में ऐसा कुछ नहीं होता। अब दादी वो सब छोड़िए, ये लीजिए दूध पी लीजिए। दूध इस वक्त दूध कौन पीता है? मैं तो नहीं पीती, मेरा पेट गड़बड़ हो जाता है। नहीं दादी थोड़ा सा पी लीजिए, मैं इतने प्यार से लाई हूँ आपके लिए, लीजिए। अरे छोरी आज तेरी शादी की पहली रात, तुझे बबल के पास होना चाहिए और तू। दादी थोड़ा सा पी लीजिए, मैं इतने प्यार से लाई हूँ आपके लिए, थोड़ा सा। दादी मैंने कहा ना कि मैं रात को दूध नहीं पीती, जबरदस्ती करेगी के? दादी तो दूध पीने को भी तैयार नहीं है, अब रस्म कैसे पूरी होगी? माफ करना दादी, अब जबरदस्ती नहलाना पड़ेगा। माफ कीजिए, मेरा पैर अटक गया और। समझ गई, अब जा। कितना इंतजार कराएगी हमारे पोते को? मजाक में इसे इच्छाधारी नागिन क्या बोल दिया, ये तो उसी की तरह बर्ताव करने लग गई। आखिर नहला दिया मुझे दूध से। लीजिए तीसरी रस्म भी पूरी, अब खुश? नहीं खुश होने में क्या जाता है, तू वहाँ जोखिम उठाकर रस्में निभा रही थी और ये यहाँ मजे ले रहे थे। मजे तो लूंगा ना, मेरी सपोली ने मेरी इच्छा जो पूरी कर दी। कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो, किसी को इस पर शक हो जाता तो? वो तो होते होते रह गया माँ, आपको पता है दादी ने तो मुझसे मजाक में पूछ भी लिया, तू इच्छाधारी नागिन है क्या? देखा फस जाती ना? अरे फसी तो नहीं ना? पिताजी माँ अब तो सब कुछ अच्छे से हो गया है ना, अब झगड़िए मत। मैं हमेशा आप दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। खुश तो हम हैं, और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि हमारी सपोली इंसानों की बहू बनने के बाद भी नागिस्तान के संस्कार और अपनों के लिए प्यार नहीं भूली। वो तो है और हमेशा रहेगी। सपोली इंसान हो या नागिन, शादी के बाद सबकी दुनिया बदल जाती है। अब तो अपने प्यार से इस नई दुनिया को खुशहाल बनाना, और हाँ बब्बल को हमारा प्यार देना, उससे कहना हमारा फन उस पर हमेशा बना रहेगा। आज से वो नागिस्तान का दामाद है और हम इस रिश्ते को जहर की आखिरी बूंद तक निभाएंगे। अब तू जा, बब्बल तेरा इंतजार कर रहा होगा कमरे में, वो अकेला। अकेले कहाँ, वाकू है ना इच्छा बनकर। वाकू बब्बल के साथ, वो भी इच्छा बनकर सुहागरात पर। मर गई माँ। अरे आज हमारी सुहागरात है, तुम मुझसे से दूर दूर। व्रत है बाबा। व्रत? कैसा व्रत?
मैं आपको बताना नहीं चाहती थी लेकिन अब आप मान ही नहीं रहे हो तो इच्छा पूर्ति व्रत रखा है मैंने। मैं शिव जी से रोज प्रार्थना करती थी कि हम दोनों की शादी हो जाए। शादी हो गई तो अब उनसे जो वादा किया है वो तो निभाना होगा ना। वादा? कौन सा वादा? आज मैं पूरी रात उनके नाम का जाप करूंगी। क्या, ये कैसा शर्त है यार? देखो इच्छा, शिवजी से क्या हो वादा, हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। एक रात नहीं, दिन रात नाम जाप करेंगे, लेकिन आज रात नहीं। इच्छा नखरे मत करो यार प्लीज। चलो और कुछ नहीं तो कम से कम एक किसी तो दे दो। बब्बल जी ऐसा अनर्थ मत कीजिए। अनर्थ? अरे एक किसी देने में कौन सा अनर्थ हो जाएगा। बब्बल जी कान आप दूर रहो। अच्छा अब नाटक बंद करो, चुपचाप बब्बल जी। नहीं नहीं बब्बल जी। अरे आओ यार। नहीं बब्बल जाइए। कौन है यार? अच्छा तुम आ गई कान छोटी। बब्बल जी आप ही ना, इतनी सुंदर बीवी सामने है और उसे देखने के बजाय आप कहीं और ही देख रहे हो। बीवी देखने ही नहीं दे रही, करीब आने ही नहीं दे रही, तो मैं क्या करूं? मैंने कब रोका आपको मेरे पास आने से? कमाल है, तुम्हारा मूड इतना फटाफट बदलता है। जानबूझकर कर रही थी बब्बल जी। सुहागरात पर पति को थोड़ा तड़पाना अच्छा होता है। यार तुम औरतों को समझना वाकई में मुश्किल है। चिंता मत कीजिए बब्बल जी, अब आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अच्छा तो यहाँ रहती है इच्छा। कितनी खुश होगी ना अपनी शादी को लेके। बेचारे को पता ही नहीं कि मैं यहाँ आ गई, उसके रिश्ते की उम्र छोटी कर। ईमान से दस लूं। हेलो, पति घने प्यार के मूड में और पत्नी घोड़े बेच के सो रही है। आजकल हमारी जिंदगी में तो सिर्फ रात और अंधेरा रह गया है, रोमांस नहीं।
गाना गा रहा हूँ। ये कोई वक्त है गाना गाने का? और ये फूल, ये सब क्या है? सुहागरात पंगली, सुहागरात। देवर जी की सुहागरात है, हमारी नहीं है। अरे मौका मिला है तो हम भी मना लेते हैं ना। अब हम उसके संगीत में शामिल हुए, उसकी हल्दी में शामिल हुए, उसकी शादी में शामिल हुए। अब वो सुहागरात अकेला मनाए तो अच्छा थोड़ी ना लगता है। लगता है आपको रात चढ़ गई है। अरे जो भी हो, पर कुछ कुछ हो रहा है ममता। आज मने घड़ा प्यार आ रहा है, मेरा मन कर रहा है कि अपने मन को अपने काबू में रखिए, सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए, मैं बहुत थक गई हूँ। शादी में कम भागा दौड़ी नहीं की है मैंने। अरे तेरी थकान का एक मुंह तोड़ जवाब है मेरे पास, चांद। आज चल खिड़की पे चल, चांद दिखाता हूँ, घड़ा मजा आएगा। एक काम कीजिए, आप छत पर जाइए और रात भर चांद को देखिए। आप और चांद दोनों मत सोइए, लेकिन मुझे सोने दीजिए। ममता, अरे मैं चांद कैसे देखूंगा अकेले? अकेले चांद नहीं देख सकते ना। दादी! अरे यार ये इच्छा भी ना खाम खा दूध का स्वाद चखा गई। अब इस वक्त दूध कहीं मिलेगा नहीं और प्यास मेरी बुझेगी नहीं। भाई भाई, अरे अपना कमरा छोड़कर यहाँ के सो रहे हो आप? अरे छोड़ा ना है छोटे, छुड़वा दिया गया है। मतलब? अरे तेरी भाभी को चांद दिखाने निकला था, उसने मुझे कमरे के बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसा क्यों किया उन्होंने? छोटे ये रोमांस की बातें हैं, तू ना समझेगा। अरे वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन फिर भी आपको कमरा छोड़ना नहीं चाहिए था। उस कमरे में आपका बराबर का हक है। अरे मुझे पता है छोटे, और थारी भाभी के सामने मारी चले कहा है। अरे गलती भारी है छोटे, शादी के पहले दिन टीवी के सामने घुटने ना टेकता ना तो ये नौबत ना आती। रो मत भाई रो मत, आपको रोता हुआ देख के ना मुझे भी रोना आ रहा है यार। अरे छोटे, अरे रो मत छोटे, अरे छोटे छोटे रो मत, छोटे रो मत, बल्कि तू इससे सीख ले। सीख? कैसी सीख? यही कि जो आदमी बीवी के सामने सुहागरात वाले दिन झुक जाता है ना, बीवी पूरी उम्र उस पर ध्वस जमावे। छोटे तू अपनी बीवी के सामने मत झुकियो, उस पर ध्वस जमियो। मुझे क्यों बता रही हो ये? मेरी तो शादी हुई नहीं है, बब्बल का क्या करना है? उसकी तो सुहागरात भी शुरू हो चुकी होगी अब तक। अगर वो इच्छा के सामने झुक गया होगा तो? अरे तो क्या, पिताजी के बाद एक और बीवी का गुलाम हो जाएगा इस घर में। नाना भाई मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, हमें उसे रोकना होगा। अरे अब तक तो नैया डूब चुकी होगी। अरे खींच के वापस लेके आएंगे नैया को, चिंता मत करो आप, चलो मेरे साथ। चल आओ इधर। मेरा चांद छुप गया था इन बातों में, अब साफ दिखाई दे रहा है, उजला सा दिख रहा हुआ। इस वक्त कौन आ गया यार? अच्छा खासा मूड बन रहा था। और इस घर में ना दो पल के लिए तो कोई अकेला नहीं छोड़ता। बब्बल जी जाइए और देखिए। छोड़ो ना, कोई मजाक कर रहा होगा। बब्बल जी ये मजाक का वक्त है तो रोमांस करने का वक्त है। बब्बल जी जाइए और देखिए कौन आया है, कुछ जरूरी काम हुआ तो? हाँ ये भी सही है, इस घर में कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं यूं गया और यूं आया।
कौन है? भाई ले आया। भाई यार क्या है ये सब यार? ये मुंह दबा कर क्या? अरे ये सब छोड़, पहले ये बता अब तक इच्छा का गुलाम तो ना बना तू? क्या? अरे इसके पूछने का मतलब है तू झुका तो ना इच्छा के सामने? भैया क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझाता हूँ छोटे, आज तेरी शादी की पहली रात है, आज की रात तुझे कंट्रोल करना है। क्या करना छोटे? कंट्रोल कंट्रोल। नहीं भैया मुझसे कंट्रोल वंट्रोल नहीं होगा प्लीज। ऐसे ही मैंने बहुत इंतजार किया इस दिन का। अरे छोटे मैं तुझे अपने आप को कंट्रोल करने के लिए ना कह रहा, तुझे इच्छा को अपने कंट्रोल में करना है, समझा? इच्छा को मतलब? अरे समझाता हूँ छोटे, देख चार बातें गांठ बांध ले। शादी की पहली रात चुनाव की रात हो, यही रात तय करे है कि पति पत्नी का ता उम्र गुलाम बनकर रहेगा या पति परमेश्वर बनकर रहेगा। भैया मैं जा रहा हूं यार, फिजूल की बातों के लिए कोई वक्त नहीं है मेरे पास। अरे छोटे सुन तो। अच्छा सुन देख, अच्छा देख सुन सुन सुन, लाख बातों की एक बात, तू इच्छा के सामने झुकना मत, उस पर ऐसी धोख जमाना, अंदर जाके उसे झाड़ देना और कहना कि मैं पति हूं, इस गृहस्थी में सिर्फ मेरी और मेरी चलेगी। मैं बोलूं दिन तो दिन, मैं बोलूं रात तो रात। अरे भैया शादी कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है, रिश्तों का मेल है, या बाजों से नहीं बल्कि प्यार मोहब्बत से बाजियां जीती जाती है। कभी तुम रुको कभी वो रुके, कभी तुम झुको कभी वो झुके, गृहस्थी का असली मजा इसी में। चलो अब जाओ सो जाओ ठीक है। अरे यहाँ क्या जा रहा है? अरे पानी पीने जा रहा हूं, तू भी पूछ के जाओ क्या, एक तो वैसे भी। चला समझाता हूं तुझे। ईमान से दस लूंगी, कहाँ रह गए बब्बल जी, लगता है मुझे ही जाकर देखना होगा। अब आप आ गए, मैं बस आप ही को। सॉरी इच्छा कुछ ज्यादा ही देर हो गई ना। कोई बात नहीं बब्बल जी, बाहर कौन था? नहीं कोई खास नहीं था। अब और रहा नहीं जा रहा ना, मेरा भी यही हाल है। आओ हम दोनों मिलकर इंतजार को खत्म करते हैं। हाँ बब्बल जी लेकिन बताइए तो सही, बाहर कौन था? इतनी रात गए और वो भी आज के दिन, कोई ऐसे ही तो दरवाजा नहीं खटखटाएगा, कुछ तो बात है बताइए ना। अरे अच्छा क्यों अच्छे खासे मूड की बैंड बजा रही हो? हाँ मैंने कहा ना छोड़ो तो छोड़ो, क्या करना है जानकर? करना कुछ नहीं है लेकिन मुझे पता तो होना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है। क्यों? फिर सवाल? अभी हमारे शादी को 4 घंटे नहीं हुए और तुम सवाल पे सवाल करने लगी। अंदर जाके उसे झाड़ देना और कहना कि मैं पति हूँ, इस गृहस्थी में सिर्फ मेरी और मेरी चलेगी। मैं बोलूं दिन तो दिन, मैं बोलूं रात तो रात। देखो इच्छा आज हमारी शादी की पहली रात है और मैं अभी से एक बात साफ कर देता हूं, मेरी पत्नी हो पत्नी बनकर रहना, समझी? बॉस बनने की कोशिश मत करना। बबल जी आपको अचानक हो क्या गया है? आप जाते वक्त तो अच्छे खासे थे और अब क्या क्या अब क्या? हाँ तुम कहना क्या चाहती हो? जाते वक्त मैं अच्छा खासा था, पागल होके आया हूँ, दिमाग घूम गया मेरा? नहीं बब्बल जी मेरा ये मतलब नहीं है, मैं तो बस आपका चेहरा कुछ उखड़ा उखड़ा सा लग रहा था इसलिए मैंने अंदाजा लगाया।
ये तुम्हारी अंदाजा लगाने की आदत है ना, इसे अभी के अभी इसी वक्त खत्म कर दो। आज अंदाजा लगा रही हो, कल शक करोगी, परसों जासूसी। नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। बब्बल जी आप चाहते क्या है? अपने फालतू के सवाल जवाब बंद करो, आज नहीं कभी नहीं। मैंने कोई फालतू का सवाल नहीं किया है, आप ही बताइए, आप अगर मेरी जगह पर होते तो क्या ये सवाल नहीं पूछते? पूछता, पति हूँ ना, पूछने का हक है मुझे। और पत्नी को कोई हक नहीं है? आधी रात पति अपने कमरे से बाहर गया है, देर से परेशान सा लौटता है, तो क्या पत्नी उसे इतना भी नहीं पूछ सकती कि वो? नहीं पूछ सकती, समझी? बब्बल जी आपको हो क्या गया है? आपकी सोच कब से इतनी छोटी हो गई? आप कब से पति पत्नी में ऐसा भेद करने लगे? अरे मैं कोई भेद भेद नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मैं तुम्हें सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते के नियम समझा रहा हूँ, इसे रट लो। हाँ, हमारी गृहस्थी में पति मैं हूँ, हमारी गृहस्थी में सिर्फ और सिर्फ मेरी चलेगी। मैं कहूँ दिन तो दिन, मैं कहूँ रात तो रात, समझी? और अगर तुमने गलती से भी नियम तोड़ने की कोशिश की ना तो क्या कर लेंगे आप? आप मुझे धमकी दे रहे हैं? मुझे? दे रहा हूँ धमकी, अपना ही मुंह बंद रखो वरना निकल जाओ मेरे कमरे से। जी आप, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। सुरसुरी का जादू चल गया, इच्छा का रिश्ता हिल गया, ईमान से डस लूंगी। एक सवाल क्या पूछ लिया, ज्वालामुखी की तरह फूट पड़े। कोई ना इनका नाम बदल दो, बब्बल से बबूला, नहीं नहीं नहीं, आग बबूला। इच्छा, कहाँ जा रही हो? आपसे मतलब? मुझसे मतलब? अरे पति हो तुम्हारा, मुझे नहीं तो किससे मतलब होगा? अरे इच्छा, मैंने कहा था ना अपना मूड खराब मत करना। चलो सॉरी, चलो। नहीं 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 नहीं, नहीं। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? आप तो पति हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। पत्नी की जरा भी फिक्र नहीं है आपको। शादी की पहली रात पति पत्नी की रात होती है, उनके मिलन की रात होती है, लेकिन आप तो अपने ही धुन में। एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि मेरी भी कुछ उम्मीदें हो सकती है, सपने हो सकते हैं। बस सीधा उठकर। मैंने कहा ना I'm sorry। नहीं नहीं, सॉरी तो मैं कह रही हूँ अपने आप से। इच्छा, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी तेरी, कुल्हाड़ी मार ली ना अपने पैरों पर, जो इनसे शादी कर ली। क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? क्या सोच कर शादी की थी मैंने आपसे, और आप है कि क्या हो गया इसे? अरे दो मिनट के लिए बाहर गया था, वो भी इसने कहा था जाने के लिए, अब खुद ही यार पूरी की पूरी सुहागरात खराब हो गई। हाँ भाई, गृहस्थी धाक जमाने से नहीं समझदारी से चलती है। थोड़ा तुम रुको, थोड़ा हम रुके, थोड़ा तुम झुको, थोड़ा हम झुके। अरे भैया प्लीज। हाँ अरे ये प्लीज प्लीज बोलने से कुछ नहीं होगा, अपनी अकल के घोड़े दौड़ाना बंद कर और भाई की बात मान ले। अरे देख बबल, ये औरतें ऐसी होती हैं, हमारे भोलेपन का फायदा उठाती हैं। अरे सुहाग रात को हम शेर सुनाते रह जाते हैं और ये शेरनी बन जाती हैं। हैं? क्या बात कर रहे हो भाई, मतलब औरतें शेरनियां बन जाती हैं? फिर तो उन्हें इच्छाधारी शेरनी बोलते होंगे ना? अरे छोटे तू समझा ना, मेरा मतलब है कि वो हम पे हावी हो जाती हैं। देख बब्बल, अभी भी वक्त है, मेरी बात मान ले, बब्बर शेर बन जा, दहाड़ दे, नहीं तो पूरी जिंदगी मिमियाता रह जाएगा तू। अरे भैया यार, मुझे अपनी सुहागरात की पड़ी है और आप पूरा का पूरा चिड़िया घर लेकर घुसे जा रहे हो। अच्छा वो कोई गलतफहमी हुई है, जाकर उससे बात करता हूं। कंट्रोल। अरे खा कंट्रोल, इससे कंट्रोल ना होएगा, इसे तो अपनी सुहागरात की पड़ी है बस। आ चल मैं तुझे समझाता हूं, चल।
होगा मेरा अगला बार। सोचा था बब्बल जी औरों से अलग होंगे, लेकिन नहीं, सारे मर्द एक जैसे। पति बंदे इनके तेवर बदल जाते हैं। शादी की पहली रात कितने सपने देखे थे मैंने, और इन्होंने झगड़ा उन्होंने किया है ना, तब सुलह भी उन्हें ही करनी होगी। देखती हूँ सामने से मनाने आते हैं या नहीं। कहाँ चली गई ये लड़की? शादी हो चुकी है लेकिन इसकी गायब होने की आदत नहीं गई। अरे चलो रुको रुको रुको, देखो मेरी बात सुनो, तुम जिस किसी वजह से नाराज हो मैं। आपको क्या फर्क पड़ता है मेरी नाराजगी से? आप जाइए, रहिए अपने कमरे में। अब ये कमरा कहाँ से बीच में आ गया? कहाँ से आ गया मतलब? आपकी वजह से वो कमरा छोड़ा है मैंने, अब मैं उस कमरे में वापस नहीं जाऊंगी, मुझे दूसरा कमरा चाहिए। अच्छा ठीक है, एक रात रह लो, कल सुबह नहीं, मुझे अभी इसी वक्त शिफ्ट करना है। हम मेरे कमरे में रह लेंगे। इच्छा इतने कम वक्त में मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है, आपको करना नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। आप लड़कों की चेंज नहीं चाहिए, जो चल रहा है जैसा चल रहा है चलने दो, खुद नहीं बदलेंगे, लेकिन बीवी से ढेर सारी उम्मीदें। ये एडजस्ट कर लो, वो एडजस्ट कर लो, क्या क्या नहीं। मैंने कब तुमसे एडजस्ट करने? देखिए हम रहेंगे तो मेरे कमरे में, मेरे नियमों के मुताबिक। अब आप तय कर लीजिए आपको क्या करना है। इच्छा ये क्या बचपना है यार। ओहो, बीवी कुछ भी कहे कुछ भी करे तो वो आपको बचपना लगता है, और आप जो कर रहे हो वो नहीं। नहीं नहीं, आप तो बहुत बड़े हो गए हैं, जो भी करते हैं बिल्कुल सही करते हैं। तो ठीक है, अब आप वही कीजिए जो आपको सही लगता है, और मैं वही कहूंगी जो मुझे सही लगता है। लेकिन तुम क्या? कंट्रोल! अरे बाल खींचने से कुछ ना होएगा, गंजा हो जाएगा। यहाँ तेवर का जवाब तेवर से देना पड़े। सही कह रहा भैया, पानी अब सर के ऊपर जा चुका है, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अब मैं ऐसा दिखाता हूं कि बब्बल क्या चीज है। अब आया है क्या? कंट्रोल! लड़ो बबल, इच्छा से लड़ो, और इच्छा तुमसे लड़ेगी। वहां चिंगारी फूटेगी और यहां सुरसुरी हंसेगी। ईमान से डस लूंगी। 100 बच्चों को संभालना आसान है, लेकिन इनकी जैसे एक पति को संभालना, मतलब पता नहीं कहां सो रहे होंगे। इच्छा, तू यहां? देवर जी कहां है? मतलब तू यहाँ क्या कर रही है? वो दीदी मैं ऐसे ही, वो दरअसल बब्बल जी, मेरा मतलब है मैं, लड़ाई हुई है? नहीं, देवर जी ने शुरुआत की होगी, मुझे सब पता है। दुनिया के हर लड़की की यही प्रॉब्लम होती है, शादी की शेरवानी पहनी नहीं, शेर की तरह दहाड़ना शुरू। लेकिन दीदी बब्बल जी तो ऐसे नहीं थे। किसी के बहकावे में आ गए होंगे। दूल्हे के दोस्त नाम की एक निकम्मी बिरादरी होती है जो उन्हें गलत सलत पाठ पढ़ाती है। लेकिन दीदी दूल्हे को अपने दिमाग का भी तो इस्तेमाल करना चाहिए ना। देख इच्छा, दुनिया में दो ही किस्म के लड़के होते हैं, एक समझदार, दूसरे शादीशुदा। अब तू देवर जी से समझदारी की उम्मीद तो छोड़ ही दे, जा और उनकी एक एक बात का मुंह तोड़ जवाब दे, और सुन दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुझे अपना कमरा नहीं छोड़ना। अगर किसी को कमरे से बाहर जाना है तो पति जाए। अब तू पत्नी है, पत्नी की ताकत को समझ, उठ और डट कर सामना कर देवर जी का। लेकिन दीदी, देख इच्छा, तुझे अपनी गृहस्थी को सुखी बनाना है ना, तो तुझे अपने पति के सर से ये झूठी मर्दानगी का भूत उतारना होगा। चल उठ लड़। Thank you.
मैंने तुमसे शादी की है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी हर गलत शलत बात मान लूंगा। और हाँ, गुरूर तो मुझे दिखाना ही मत, उसका कोई असर नहीं होने वाला मुझ पे। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो प्यार से मांगना, प्यार से दूंगा। लड़ने झगड़ने की कोशिश की, मुझे कोई शौक नहीं है आपसे लड़ने का। शुरुआत आपने की थी, इसलिए मुझे आपको आपकी जुबान में जवाब देना पड़ा। शुरुआत मैंने नहीं, तुमने की है। हाँ, हम साक्षी हैं इस बात के। ओ जी, एक तो आपके भाई की गलती, ऊपर से इसका साथ दे रहे हो। चलिए कमरे में। चल छोटे, लड़ते रहना, झुकना मत। अरे भैया, कहीं नहीं जाओगे, कोई जरूरत नहीं डरने की। मरने की? अरे तुझसे किसने कह दिया कि मैं मरने जा रहा हूं? मरे मेरे दुश्मन। अरे भाई, मरने की नहीं, वो नहीं डरने की बात कर रहा है। बब्बल कह रहा है कि हम दोनों आपके साथ हैं। हाँ अच्छा, हाँ अरे मैं ना आता, और तू भी इच्छा का गलत बातों में साथ देना बंद कर। हाँ भाभी, क्या इच्छा का साथ दे रहे हो आप? वो बब्बल को झुका रही है। हाँ, मैं झुकने वाले में से नहीं हूँ, पति हूँ तुम्हारा। हाँ तो पति हो, इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नी की इंसल्ट करोगे, उसे दबा कर रखोगे। बब्बल जी, शर्म आती है मुझे आपकी सोच पर। हाँ? और मुझे शर्म आती है तुम्हारी हरकतों पर। ओ हेलो, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझसे तो सिर्फ एक गलती हो गई है। देखा, मान ली गलती। मान ली। देखना बब्बल, भाई कह रहे थे ना गलती मान ली ना उसने। बब्बल जी से शादी करने की गलती। भाई, ये तो अपना दांव उल्टा पड़ गया है। बब्बल जी, चलिए आप अपने कमरे में, मैं बताती हूँ कौन सही है कौन गलत। अरे मैं ना आता अपने कमरे में तो चुहिया भी शेरनी बन जावे। तुझे बोलना है तो यही बोल। देखा, आज तुम्हारे वजह से भैया और भाभी की भी झगड़े हो रहे हैं। अगर मुझे पता होता तुम ऐसी हो ना, तो तुमसे कभी प्यार करता ही नहीं। आपसे ज्यादा पछतावा तो मुझे हो रहा है। जिंदगी में एक फैसला लिया और वो भी गलत। इच्छा, आप तो हद पार कर रही हो। आप तो कब की हद पार कर चुके हो। अरे ममता, समझा इच्छा को। आप समझाइए अपने भाई को। ये भगवान, शादी ऐसी होती है? इससे तो मैं कुंवारा ही भला, मैं चला। चुप! आप चुप! मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी, जा रही हूँ मैं। जाओ, और अगर गलती का एहसास हुआ भी तो वापस मत आना, मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। लड़ाई दो बेवकूफों की और जीत सयानी सुरसुरी, जय हो। ईमान से टस लूंगी।